मैं तुम्हारे दफन शुदा इश्क को दोबारा जिंदा होने का मौका नहीं दूंगा। चलो ठीक है, फिर ये काम आप कानूनी तौर पर किया जाएगा। तुम सायरा को उसे भेजा में नहीं रख सकते, नफरत करती है तुम इसे, तुम्हें उसे आजाद करना होगा। कहते हैं कि बुराई को शुरू होने से पहले खत्म कर दो। शुरू तो तुम कब के हो चुके हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि खत्म करने के लिए अभी देर नहीं हुई। गुड आइडिया। नॉट बैड। तुम जैसा बुजुर्ग इंसान ऐसे और कर भी क्या सकते हैं, यूं वीराने में ये गन दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी देने के सिवाय, है ना? आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ जाओ मेरी बात। मेरे अंदर का गली का गुंडा आज भी जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। तो फिर तुम भी एक बात गौर से सुन लो, सायरा क्या मेरे दिल से हमारी मोहब्बत को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। हमेशा थी, है और रहेगी। और हाँ, ये इसे अपनी जेब में डाल ले। बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा तुम्हें वलीद, या तो मैं खुद तूफान हूं या फिर मेरे अंदर तूफान छुपा है। फिर कभी सही। हाँ वलीद। सायरा, मेरी वकील से बात हो गई है। हाँ, मैं भी वहीं से आ रहा हूं। तुम फिक्र ना करो, इस जाहिल इंसान से, इस दरिंदे से तुम्हें बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। जितना जल्दी मुमकिन हो मुझे इस अज़ियत से निजात दिलाएं वलीद। हाँ हाँ, तुम परेशान हो। सारा एक मिनट होल्ड करना, ये कोई जाहिल इंसान है रास्ते में, रोड के बीच में बाइक खड़ी की, एक मिनट होल्ड करो। ये सायरा, एक मिनट, ये क्या तरीका है रोड के बीच में इस तरह बाइक खड़ी करके? अरे जाहिल इंसान, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। Come on.